शिवसेना के नेता संजय राउत का एक ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हवा को गुमान था अपनी आजादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर के बेच दिया। तो गुमान की बात यहां पर की गई है। संजय राउत ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर दिया और बेच दिया। ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कटाक्ष है वो बीजेपी पर किया गया है कि गुमान था कि हम तो सत्ता पर काबिज होकर रहेंगे और हम शिवसेना की शर्तों को नहीं मानेंगे। और ऐसे में एक और ये ट्वीट बीजेपी पर तंज कसते हुए संजय राउत का, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुमान का जिक्र करते हुए कि हवा को भी गुमान था अपनी आजादी पर, लेकिन किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर दिया और बेच दिया। यानी कि गुमान जो है वो धरा का धरा रह गया। और ऐसे में जीत यहां पर शिवसेना की, जो कहीं ना कहीं सीधे इस ट्वीट के जरिए जाहिर करने की बार बार कोशिशें यहां पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से ये ट्वीट यहां पर निशाना सीधे तौर पर साधा गया है बीजेपी पर और देवेंद्र फडणवीस पर। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं संजय राउत का, जहां पर उन्होंने कहा है कि हवा को गुमान था कि वो आजाद है, लेकिन किसी ने उसे भी गुब्बारे में भर दिया और उसको बेच दिया। ये तंज सीधे बीजेपी पर कसा गया है संजय राउत के जरिए, जो अक्सर यहां पर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज करने से चूकते नहीं है। और ऐसे में एक बार फिर से उनका ये ट्वीट।